मुकाबला करना चाहिए आज इस बात की आवश्यकता है। समाज में हम समझते हैं आपके यहाँ तो हो सकता है दहेज प्रथा नहीं हो, पर हमारे समाज में तो बहुत दहेज है। ये दहेज प्रथा हम समझते हैं सबसे बड़ा तांडव है समाज के लिए। सामूहिक विवाह के माध्यम से ज्यादातर शादी विवाह के कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं और इसके लिए भी समाज को घोषित करना चाहिए। जिस तरह से आज आपने छात्र छात्राओं का सम्मान किया, इसमें आपसे हमारा निवेदन है कि आप स्कूल विजिट करिए। समाज के वो लोग जो बच्चे यूपीएससी बीएससी डॉक्टर इंजीनियर अग्रणी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको भी बताइए, जैसे हम सी आई डी कार्ड रहे हैं, इस तरह के लोगों को भी आप चिंतित करके पूरे देश पूरे प्रदेश के लोगों को उनका भी सम्मान करिए, क्योंकि उनको देख के हमारे जो नए पीढ़ी है जो बच्चे बैठे हैं जो क्षेत्र क्षेत्र के बच्चे हैं उनको ये दिशा मिलेगी, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमारी तरफ से आप लोग स्वयं कर रहे होंगे स्वयं आप लोग कर रहे होंगे, पर जो समाज में कुरीतियां हैं उसको हम सबको मिलकर दूर करने की आवश्यकता है। और जो सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी ब्याह करे उसको भी यहाँ पर बुला के सम्मान करने का काम करिए। ये हमारी तरफ से एक और सुझाव है, क्योंकि तभी प्रेरणा मिलेगी तभी लोग प्रोत्साहित होंगे इस तरह के काम करने की आवश्यकता है। मेरे लायक जो भी होगा जी जो भी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है हम हमारा परिवार पूरी तरह से आपके साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं नागरिक समाज के जो हमारे साथ पढ़े हैं आज भी मिलते रहते हैं, कभी कभी आते जो काम होता है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आज सबसे निवेदन है कभी हमारे लायक कभी कोई भी जरूरत नहीं कुछ काम हो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम किसी काम आ सके आपके समाज के उत्थान में तो हम जरूर आपके साथ खड़े मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर आगे की ओर बढ़ेंगे और एक दूसरे का सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी की ओर से आपका वैसे इसका एंट्री करवाना चाहते हैं जनता को कार्यालय सम्मेलन